हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन हेम यादव में। हम देख रहे थे द्विघात समीकरण, आपके एक्सरसाइज है 4.3, इसका पार्ट 2 है। हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला ये, दूसरा ये। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है एक्स माइनस 1/x बराबर 3 और x नॉट इक्वल टू 0। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो एक्स एलसीएम ले, एक्स एलसीएम होगा, इसकी गुणा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3 बट्टे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की एक में कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और 3 की एक्स में कर दो 3x, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/0, ठीक है। अब देखो इसकी तुलना किससे कर दो, देखो एक के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते जिन्हें घटाकर 3 आ जाए, ठीक है। तो हम इसको द्विघाती सूत्र से करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर कितना आ जाएगा 1, बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3, सी बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो वास्तविक मूल के लिए क्या जरूरी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर या तो 0 आए या 0 से बड़ी वैल्यू आए, ठीक है, धनात्मक। तब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, देखो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बी की वैल्यू कितनी माइनस 3, तो माइनस 3 का वर्ग माइनस के 4 गुणा ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 1, 9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4, कितना आ गया 13, ठीक है, जो आपका क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। तब देखो लिख देंगे, इसलिए इसलिए देखो क्या हो जाएगा, देखो इसलिए x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। सूत्र से सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या जाएगा, देखो माइनस का भी b की वैल्यू 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला है 13 आया है, आया नहीं 13, 13 2 इंटू ए की वैल्यू 1, x बराबर क्या आ गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 अपॉन 2। अब x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, ठीक है, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या जाएगा 3, देखो प्लस ले लेंगे प्लस के अंडर रूट 13 अपॉन 2, x की वैल्यू की जाएगी और माइनस चिन्ह ले दो, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा x बराबर 3 माइनस के अंडर रूट 13 अपॉन 2, तो x के ये दो मूल आ गए।
ठीक है, आप लिख देंगे। अतः दिए गए द्विघाती, दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल 3 प्लस के अंडर 13/2 व 3 माइनस के अंडर 13/2 हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे का दूसरा है 1/(x+4 - 1/(x-7)=11/30। सॉल्व कर दो इसको। देखो इनका एलसीएम ले दो, x+4 x-7 एलसीएम आ गया। देखो यहाँ आ जाएगा x-7 माइनस के यहाँ कितना आ जाएगा, अब माइनस पहले है तो -x और प्लस ये कैसे ना हो जाएगा -4। ठीक है, माइनस लग रहा है ना पहले तो ये माइनस को हो जाएंगे 11/30। देखो x से x कैंसिल, माइनस के 11/ देखो इसकी गुणा कर दो, x की x में गुणा करेंगे x2 प्लस कर दो, प्लस की 4x में कर दो 4x, x की -7 के 7x प्लस 4 की -7 माइनस के 28 बराबर 11/30। और 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब देखो x2 वो 4x - 7x माइनस के 3x बचे, माइनस के 28 बराबर 30 × 1 - 30। ठीक, अब देखो x2 - 3x - 28 देखो इधर आएंगे जी प्लस के 30 = 0। अब देखो x2 - 3x देखो कितने बचे, प्लस के 2, 30 में से 28 आएंगे 2 = 0। ठीक है, तुलना कर दो, ax2 + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या जाएगा 1, b बराबर -3, c = 2 आ जाएगा। ठीक है, वास्तविक मूल के लिए जरूरी है b2 - 4ac = या तो 0 आए या 0 से बड़ी वैल्यू आए। अब देखो तब b2 - 4ac क्या हो जाएगा, देखो b का है आपका -3 x2 - 4 बड़ा a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 9 - 8 1 आ गया, जो क्या क्या आपका 0 से बड़ा है, इसलिए इसके मूल वास्तविक होंगे। अतः x - b + √(b2 - 4ac/2a ठीक है, लिख देंगे द्विघाती सूत्र से x = क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस पहले लग रहा है, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस b2 - 4ac कितना 1 2 × a की वैल्यू 1। ठीक है, x = क्या हो जाएगा 3 + √(1)(1) = 2। ठीक है, अब प्लस से लेने पर क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4/2 आ गया। माइनस चिन्ह लेने पर
एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तीन माइनस के एक बट्टे दो, दो बट्टे दो एक, इसके दो मूल आ गए। देंगे आप पता है आता है दिए गए द्विघात समीकरण के मूल दो व एक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, तीन वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम, अब से पांच वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम का योग है ना, व्युत्क्रम का योग एक बट्टे तीन है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लो, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। देखो अगर रहमान अभी x का है तो तीन वर्ष पूर्व तीन घट जाएंगे, ठीक है। देखो इसलिए तीन वर्ष पूर्व आयु रहमान की कितनी हो जाएगी, देखो तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस तीन वर्ष, ठीक है। अब तरह देखो, और अब से पांच वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, देखो तथा पांच वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का पांच। हम आज से लगा रहे हैं, आज से तीन वर्ष पूर्व कितनी थी और आज से पांच वर्ष बाद कितनी थी, ठीक है, x प्लस पांच वर्ष, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है, व्युत्क्रम होता है उल्टा, ये कह रहा है तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है, और अब से पांच वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग एक बट्टे तीन है। अब देखो इन दोनों का योग नहीं कह रहा, एक बट्टे तीन इनके व्युत्क्रम का योग है। प्रश्नानुसार तीन वर्ष पूर्व रहमान कितनी आयु कितनी है, एक्स माइनस तीन, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इसका व्युत्क्रम। और अब से पांच वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, तो पांच वर्ष बाद आयु कितनी है, एक्स प्लस पांच, इसका व्युत्क्रम वन अपॉन एक्स प्लस फाइव, व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है, एक बट्टे तीन, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले दो, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस पांच, एक्स प्लस पांच प्लस के एक्स माइनस तीन हो जाएगा एक बट्टे तीन। देखो कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस के पांच में से तीन गए दो, नीचे कितना हो जाएगा, एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की पांच में करेंगे पांच एक्स, माइनस तीन के एक्स में करेंगे माइनस के तीन एक्स, माइनस तीन की पांच में करेंगे माइनस के पंद्रह, एक बट्टे तीन, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसकी इसमें कर दो तो एक्स स्क्वायर, देखो पांच में से तीन एक्स गए प्लस का दो एक्स माइनस के पंद्रह, एक में मल्टीप्लाई करेंगे पूरे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तीन की कर दो इसमें, तीन की इसमें करो छः एक्स प्लस के तीन की दो में कर दो छः,
ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स माइनस के 15। अब देखो इधर लाएंगे जी, प्लस के माइनस में जाएंगे, माइनस के 6x माइनस के 6 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर लेकिन हो गए माइनस के 4x, देखो माइनस के 6 हैं और प्लस के 2 हैं, माइनस के 4x, देखो माइनस के 15 और माइनस के 6 माइनस के 21 0। ठीक है, इसकी तुलना कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है तुलना कर दो तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर माइनस 4, सी बराबर माइनस के 21। वास्तविक लिए क्या जरूरी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो या 0 से बड़ी हो, तब देखो बी स्क्वायर माइनस के 4 का वर्ग माइनस के 4 × 1 और माइनस माइनस देखो माइनस के बुढ़ा में माइनस के 21। ठीक है, देखो 16 माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस के 84। ठीक है, तो कितने हो गए जी 100 हो गए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब देखो जो क्या आपकी 0 से बड़ी है तो मूल इसके वास्तव होंगे, वो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, से द्विघाती सूत्र है जी, देखो x बराबर क्या हो जाएगा वो b की वैल्यू कितनी है माइनस 4, प्लस का 4 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है आपका 100, 2 × 1 एक्स बराबर 4 प्लस माइनस के लिए कितना हो गया 10। ठीक है, 100 का वर्गमूल 10 2। ठीक है, अब देखो यहां से 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक बार प्लस ले देगा और माइनस लिख देंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह ले देंगे तो देखो क्या हो जाएगा एक्स बराबर देखो 4 + 10 2 कितना होगा 14/2 7 आ गया। देखो माइनस चिन्ह पर क्या हो जाएगा देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 − 10 2 माइनस के 6/2 माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 3 हो गया। देखो ये एक आयु है और आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए एक्स पावर माइनस 3 नहीं हो सकता। ठीक है, लिख देंगे तो एक्स बराबर माइनस 3 नहीं होगा क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए x की वैल्यू हम कितने लेंगे 7 लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 7। ठीक है, अगर x की वैल्यू 7 निकल के आई, ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, लिख देंगे इसकी वर्तमान आयु 7 वर्ष है, उसकी समझ रहा है ना, रहमान की है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में सैफ अली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक
और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो वो कह रहा है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, दोनों में कितने हैं उसके अंक 30 हैं। अगर हम एक के मान लें दूसरे 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तब देखो मान लो आप माना सैफाली माना सैफाली के गणित में अंक कितने मान लो x मान लो, इसलिए तो कह रहा अंकों का योग कितना 30 है। ठीक है, ये अगर एक बार आपने x मान लिया तो दूसरा 30 माइनस x हो जाएगा, इसलिए सैफ अली के अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। अब कंडीशन दे रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, बोलो यदि यदि सैफ अली को गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, 2 अंक अधिक मिले होते तब अंक कितने होते, तब गणित में अंक बराबर कितना जाएगा। देखो गणित में पहले अंक कितने थे x, अगर 2 अधिक मिले होते तो x प्लस 2 ना हो जाते। ठीक है, वो कह रहा है फिर और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। ठीक है, तब देखो यदि सैफ अली को अंग्रेजी में कितने 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में अंक बराबर, देखो पहले कितने थे 30 माइनस एक्स, 3 और कम मिले होते तो 30 माइनस एक्स माइनस के 3 हो जाते ना, ये कितने हो जाते आपके 27 माइनस के एक्स हो जाते। ठीक है, अब देखो प्रश्न आंसर डाल लो। फिर ये कह रहा है अगर इसमें गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। इनका अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। तब देखो x प्लस 2 और 27 माइनस के x अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। ठीक है ना, आपने गणित में पहले x माने, अगर गणित में उसके 2 अधिक होते, ठीक है, देखो अंग्रेजी में कितने होते 30 माइनस एक्स पहले, अगर उसके 3 अंक कम होते तो 27 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना होता 210 होता। ठीक है, गुणा कर दो, देखो x की 27 में 27x, x की माइनस एक्स में माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस के 2 की 27 में कर दो तो 54, माइनस के 2 की x में माइनस के 2x, 210। ठीक है, देखो माइनस के एक्स स्क्वायर, देखो 27 माइनस 2x प्लस का 25x प्लस का 54 और इधर आ जाएंगे ये माइनस के 210 बराबर 0। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, देखो यहाँ कितने बचे माइनस के 156। ठीक है, अब देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस से पूरे भाग दे दो, माइनस से
भाग देने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 156 बराबर जीरो। अब देखो 156 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, ठीक है, जिन्हें जोड़कर माइनस का 25 आ जाए, ठीक है, तो 13 और 12 होते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 12x, देखो 13 और 12 कितने हो गए जोड़कर माइनस के 25 प्लस के 156 बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो कॉमन ले दो, एक्स कॉमन ले दो, तो एक्स माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले दे यहां से, एक्स माइनस प्लस माइनस के 13 जीरो, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस के 12 जीरो। देखो यदि एक्स माइनस 13 बराबर जीरो तो एक्स बराबर कितना होता है 13, ठीक है, यदि एक्स माइनस 12 बराबर जीरो तो एक्स बराबर कितना होता 12, ठीक है। देखो एक्स क्या माना था आपने, एक्स क्या माना था आपने, गणित में अंक माने थे, ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी। देखो पहली, अगर आपने गणित में एक्स अंक माने पहले 13, ठीक है, पहली कंडीशन में देखो, यदि एक्स बराबर 13 तब शेफाली के गणित में अंक कितने हो गए 13, तथा अंग्रेजी में कितने हो जाएगा, देखो अगर आपने एक्स बराबर 13 माने तब शेफाली के गणित में कितने हो गए 13, ठीक है, तो गणित में कितने हो गए 13, अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 माइनस के 13, ठीक है, तथा अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस के 13 17 हो गए, ठीक है। तो अगर आपने पहले x बराबर 13 माना है, ठीक, तब शेफाली गणित में अंक 13 हो जाएंगे, ठीक है, 13 हो जाएंगे, और अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 17। अगर सेकंड कंडीशन में अगर आप x बराबर 12 मानो, यदि x बराबर 12 तब शेफाली के गणित में 12, शेफाली के गणित में अंक कितने हो गए 12, तथा अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे, फिर अंग्रेजी में अंक 30 माइनस के 12 कितने हो गए 18, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो एक छोटा सा आयत बना ली, ठीक है, आयत बन गया, ठीक है, आयताकार का विकर्ण कराइए। देखो विकर्ण होता है ये, छोटी भुजा इसकी ये है, बड़ी भुजा इसकी ये है, विकर्ण इसका ये है। आप छोटी भुजा मान लो, माना छोटी भुजा बराबर एक्स, छोटी भुजा आपने एक्स मान ली, ये कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, ठीक है। अगर आपने ये एक्स मान लिया तो इसका विकर्ण कितना है 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 प्लस के एक्स, 60 प्लस के एक्स,
ठीक है, तभी तो 60 सेंटीमीटर लंबा हो गया, लिख देंगे इसलिए विकर्ण बराबर 60 प्लस एक्स। और ये कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है, देखो बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है, छोटी आपने एक्स मानी, देखो बड़ी गया तो कितनी हो जाएगी, देख एक्स प्लस की 30 हो जाएगी, बड़ी भुजा कितनी होगी, एक्स प्लस की 30। देखो अब प्रश्न आंसर देखो, देखिए भाई प्रश्न आंसर क्या है, देखिए यहां आपकी पाइथागोरस प्रमेय बन गई, देखो ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है, ये आपका लंब, ये आधार हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर, तो 60 प्लस का एक्स का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 30 का वर्ग प्लस के एक्स के वर्ग के, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला फोड़ दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 120x, ठीक है, इसका भी खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60x और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो देखो 3600 प्लस का, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके 120x, 120x इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा 60x बराबर के, देखो ये इधर कितना है 900 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3600 इधर ले आओ जी, ठीक है 3600 यहाँ कितने बचे, प्लस के 60x माइनस के 900 और माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 60x, ठीक है, और आपके प्लस के 2700 बचे, 3600 में से 900 जाएंगे 2700, 0। देखो माइनस से पूरे में भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700। अब देखो 2700 के ऐसे फैक्टर जिन्हें घटाकर माइनस के 60 मिल जाए, ठीक है, तो 90 और 30 हो जाएंगे, 9 + 27 एक्स स्क्वायर माइनस के 90x प्लस के 30x माइनस के 2700। अब देखो यहां से कॉमन ले दो, एक्स कॉमन ले दिया तो एक्स माइनस के 90 और प्लस के यहां से 30 कॉमन ले दो तो एक्स माइनस के 90। अब देखो एक्स माइनस 90 और एक्स प्लस 30। अब देखिए यदि एक्स माइनस 90 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 90। आगे देखो यदि एक्स प्लस 30 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 30, और यह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये खेत की भुजा है, लिख देंगे क्योंकि एक्स खेत की भुजा है और यह
ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, एक्स बराबर -30 नहीं होगा तो क्या होगा? एक्स बराबर आपकी वैल्यू निकल के आई 90। ठीक है, आपने एक्स क्या माना था? जो छोटी भुजा मानी थी ना आपने, एक्स एक्स क्या मानी थी आपने? छोटी भुजा। ठीक है, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? ठीक है, कितनी? 90 + 30 हो जाएगी, छोटी भुजा 90 हो जाएगी। देखिए तो लिख दीजिए, देखो दो, इसलिए एक्स बराबर 90। ठीक है, छोटी भुजा एक्स मानी थी आपने, छोटी भुजा बराबर 90 मीटर। बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? बड़ी भुजा देखो, बड़ी भुजा कितनी थी आपके पास? एक्स प्लस के 30, एक्स की वैल्यू 90 निकल कर आई, तो कितनी हो जाएगी? 90 + 30। देखिए 90 + 30 120 मीटर। तो छोटी भुजा कितनी आएगी आपके पास? 90, बड़ी आएगी 120। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दो दो संख्याओं के संख्याओं के वर्गों का वर्गों का अंतर अंतर 180 180 है, है, छोटी छोटी संख्या संख्या का का वर्ग वर्ग बड़ी बड़ी संख्या संख्या का का 8 8 गुना गुना है, है, दोनों दोनों संख्याएं संख्याएं ज्ञात ज्ञात कीजिए। कीजिए। तब तब देखो, देखो, छोटी छोटी संख्या संख्या मान मान लो, लो, सॉल्व सॉल्व कर कर दो। दो। माना माना बड़ी बड़ी संख्या संख्या मान लो, मान लो, माना माना बड़ी बड़ी संख्या संख्या बराबर बराबर एक्स एक्स तथा तथा छोटी छोटी संख्या संख्या वाई वाई मान मान लो। लो। ठीक है, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या संख्या एक्स एक्स मान ली, मान ली, छोटी छोटी संख्या संख्या वाई वाई मान मान ली। ली। ठीक ठीक है, है, ये कह कह रहा रहा है है छोटी छोटी संख्या संख्या का का वर्ग वर्ग बड़ी बड़ी संख्या संख्या का का 8 8 गुना गुना है, है, इसलिए इसलिए छोटी छोटी संख्या का संख्या का वर्ग, वर्ग छोटी छोटी संख्या संख्या कितनी? कितनी? वाई। वाई छोटी छोटी संख्या संख्या का का वर्ग वर्ग कह रहा कह है, रहा है बड़ी बड़ी संख्या संख्या का का 8 8 गुना गुना है, है, बड़ी बड़ी संख्या संख्या कितनी? कितनी? 8। 8। ठीक ठीक है, है, अब अब देखिए देखिए प्रश्न प्रश्न आंसर। अनुसार क्या हो जाएगा? जाएगा। देखिए देखिए ये कह कह रहा रहा है है दो दो संख्याओं के संख्याओं के वर्गों का वर्गों का अंतर अंतर 180 है। 180 देखो है, बड़ी देखो संख्या बड़ी जो है, संख्या छोटी छोटी संख्या जो संख्या है, ये है, दो दो संख्याओं संख्याओं के के वर्गों वर्गों का का अंतर अंतर इतना इतना है। है। ठीक ठीक है, है, देखो इनका इनका वर्ग वर्ग कर कर दो, दो, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस के के वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर अंतर अंतर कितना कितना है? है? 180। 180। ठीक है, ठीक है, देखो देखो हमें हमें एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर पहले पहले लिखना है, लिए क्योंकि क्योंकि एक्स एक्स बड़ी बड़ी संख्या संख्या है, है, बड़ी बड़ी संख्या संख्या में में छोटी छोटी संख्या संख्या घटेंगे घटेंगे तब तब 180 180 आएंगे। आएंगे। ठीक ठीक है, है, अब अब देखो, देखो, तो तो चूंकि चूंकि वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर बराबर बराबर क्या दे क्या दे रखा रखा है? है? 8 8 एक्स एक्स दे दे रखा, नहीं रखा दे नहीं दे रखा है रखा क्या है, क्या रखा है रखा है ना? ना? छोटी छोटी संख्या का संख्या का वर्ग वर्ग बड़ी बड़ी संख्या संख्या का का 8 8 गुना गुना है। है। ठीक ठीक है, है, यहां यहां से से कंडीशन कंडीशन बन बन गई, गई, ठीक ठीक है है ना? ना? तो तो वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर बराबर बराबर 8 8 एक्स एक्स इसमें इसमें रख रख देंगे, देंगे, तो तो क्या हो क्या हो जाएगा? जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस के के 8 8 एक्स एक्स इधर ले ले जाओ, जाओ, माइनस माइनस के के 180 180 जीरो। जीरो ठीक है, इसके फैक्टर फैक्टर कर कर दो दो 180 के,180 के, तो कितने कितने हो जाएंगे? हो 18 जाएंगे? और अठारह और 10, दस, 18 दहाँ अठारह 180।180। तो एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस के के 18 अठारह एक्स एक्स प्लस प्लस के के 10 दस एक्स एक्स माइनस माइनस के के 180 180 बराबर बराबर जीरो। जीरो। देखिए देखिए एक्स एक्स कॉमन कॉमन ले ले लो, लो, एक्स एक्स माइनस माइनस 18 18 प्लस प्लस के के 10 10 और और एक्स एक्स माइनस माइनस के के 18। अठारह ठीक ठीक है, है, एक्स एक्स माइनस के माइनस के 18 18 और और एक्स एक्स प्लस का प्लस का 10 हो 10 हो जाएगा। ये जाएगा। देखो, ये यदि यदि एक्स एक्स माइनस माइनस 18 18 बराबर बराबर 0 जीरो तो एक्स एक्स बराबर बराबर 18 हो 18 हो गया। गया। यदि यदि एक्स एक्स प्लस प्लस 10 10 बराबर बराबर 0 जीरो तो तो एक्स एक्स बराबर बराबर माइनस माइनस 10 10 हो हो गया। गया। ठीक है, ठीक है, देखो देखो एक्स एक्स बराबर बराबर माइनस माइनस 10 10 क्यों क्यों नहीं नहीं होगा? होगा? क्योंकि क्योंकि यह यह हमने हमने बड़ी बड़ी संख्या संख्या मान मानी लिया, है, लिख लिख देंगे देंगे। ये आपका आपका नहीं नहीं होगा। होगा, ठीक ठीक है, है, क्योंकि क्योंकि
क्योंकि x बड़ी संख्या x x बड़ी संख्या है और यह ऋणात्मक नहीं होगी। x बड़ी संख्या है और यह ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है। अतः बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी x बराबर 18 हो जाएगी। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? देखो एक कंडीशन है ना, वाई स्क्वायर बराबर 8x, इसमें रख दो। बड़ी संख्या आपने x निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आई? 18। वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 18 इंटू, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 18 इंटू 8। y बराबर अंडर रूट में 144, y बराबर के 12। बड़ी संख्या कितनी होगी? 18, छोटी संख्या होगी 12। लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 18, छोटी संख्या 12, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।